फर्रुखाबाद नवाबगंज में 4 तारीख महिला की हत्या के आरोपियों को पकड़ने जा रही पुलिस टीम से रास्ते में अपराधियों से मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही व 2 अपराधी घायल हो गए। पुलिस की गोली से घायल अवनीश यादव व अमित उर्फ बुड्ढा को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। गोली लगने से थाना नवाबगंज के सिपाही तेज सिंह भी घायल हो गए। तेज सिंह को नवाबगंज HCHC में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। अपने साथ में जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे, जॉइंट अपना घूम रहे थे, उसी समय ये 2 भजन दिखाई पड़े। ये दोनों के नाम अमित उर्फ गुड्डू, सन ऑफ रामवीर, और एक अवनीश है, जो कि दोनों के दोनों हमारी एक घटना में वांछित थे। इन दोनों से तो उसी के पक्ष में पुलिस की तरफ इन दोनों के पैर में गोली लगी थी, दोनों घायल थे, इन दोनों अपराधियों पर हमारा पहले से इनाम घोषित था 15,000 का, दोनों की 15,000 और दोनों हमारी घटना में वांछित थे, जिसमें सुधा बाथम की हत्या हुई थी 4 दिन पहले, इसी घटना में दोनों वांछित थे। सर कितना इनाम दे रहे हैं लोगों को? इन लोगों को 5,000 रुपये का इनाम रखा। टीम में कौन शामिल था सर इसमें? टीम में SHO कंपनी की टीम थी और SHO था ऑपरेशन। सर तमंचे क्या बरामद है? तमंचे 2 बरामद है, 315 बोर। सिपाही की हालत है? सिपाही भी ठीक है, उनके कंधे में इंजरी है, 12 मिनट और कुछ।